हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम हेयर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और गाइस, इस वीडियो में आपको वार्प टैक्स के बारे में बताऊंगा। अब गाइस, वार्प टैक्स से क्या मतलब है? गाइस देखिए, इमेज है और इधर जो है कंटेंट, इधर जो है मेरी हेडिंग आ रही है। अब गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा कॉन्टेंट है ना गाइस, ये जो है इधर आ जाए, ठीक है, इधर इस जगह पर, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जो है टेक्स्ट को आके गाइस जो है अलाइन कर देना है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है मेरा यहाँ पे है, तो मेरे को आपसे जो है टेक्स्ट को जो है गाइस अलाइन करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन करते गाइस हमको इसमें करना है जस्टिफाई, क्या करना है जस्टिफाई, ठीक है। आगे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसका नाम है डोमिन रेसर, और ये गाइस देखिए सिर्फ आपको 59 रुपीज पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे आपको SEO टूल मिल जाएंगे, सी पैनल मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे टूल्स जो है आपको फ्री मिल जाएंगे। इसमें गाइस आपको सेल्फ होस्टेड LMS होस्टिंग मिल जाएगी, और इस LMS होस्टिंग में आपको फ्री वीडियो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लाइव वर्चुअल क्लास मिल जाएगी विद जूम इंटीग्रेशन, ऑनलाइन आप कोर्स जो है सेल कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज गेम पार्टिसिपेट एक्सेट्रा, ये आप जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस देखिए, इसमें आपको SSD वाली आपको इसमें हार्ड ड्राइव मिल जाती है, SSD वाली आपको इसमें डिस्क मिल जाती है। इसमें गाइस देखिए, आपको फ्री का SSD सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, और गाइस की प्राइस जो है सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ जो है आपको मिल रही है, और काफी सारे फ्री टूल्स मिल रहे हैं, सेल्फ LMS होस्टिंग मिल रही है, तो काफी सारी चीजें जो है इसमें आपको मिल जाएगी। और गाइस ये जो है सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिलेगा। इनका गाइस देखिए कस्टमर सपोर्ट जो है वो भी बेस्ट है। और गाइस यहाँ से इमेज पे जाके हमको करना है फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। तो इमेज को हमको फ्लोट करना है लेफ्ट की साइड, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, LFT लेफ्ट, ठीक है। अब गाइस देखिए, चेंजेस आपको नजर आएगा, ठीक है। तो रन करते हैं, तो गाइस देखिए देखिए यही से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है गाइस देखिए। लेकिन यहाँ पे गाइस हमको स्पेस चाहिए, स्पेस के तरीके से चाहिए गाइस, इमेज से राइट साइड को स्पेस चाहिए, ठीक है। तो गाइस इमेज पे जाके जो है हमको क्या करना है, पैडिंग करना है, ठीक है, इजी है। इमेज पे आइए और पैडिंग करिए सीधा, ठीक है, PAD, देखिए पैडिंग, आपको पैडिंग मैंने बताया था, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो है आप टॉप का जो है टॉप से पैडिंग करते हैं, टॉप पे जो है उसके बाद में गाइस राइट साइड से। तो गाइस यहाँ पे जो हमको करना है 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में गाइस आप करते हैं डाउन साइड पे, बॉटम पे जाता है, फिर बॉटम वापस जीरो, फिर जाता है गाइस लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये वर्क करता है। अब गाइस रन करते हैं फिर से, गाइस देखिए स्पेस आ गया ना 20 पिक्सल, ठीक है। तो पहले तो जो बिल्कुल चिपक रहा था, लेकिन अब गाइस हमने क्योंकि जो है इसको जो है यहाँ से पेडिंग दी है गाइस इमेज से राइट साइड में 20 पिक्सल की, ठीक है। तो 20 पिक्सल जो है आगे ही आएगा गाइस। अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा जो है बॉटम से भी नीचे आए, तो गाइस ये एरिया में थोड़ा सा नीचे आने लग जाएगा। इसका भी मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, क्योंकि बॉटम का जो गाइस यहाँ पे होता है, तो इसको अगर मैं 50 पिक्सल करता हूँ और गाइस फिर रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए गाइस ये देखिए यहाँ से नीचे आने लग गया है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइस, बट इसको भी हम गाइस कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में जो है बराबर का ही जो है गैप होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, थोड़ा इधर की साइड में थोड़ा ज्यादा गैप रहा है, इधर 10 कर लेते हैं और गाइस इधर जो है 30 कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उधर से तो जो है ऑलरेडी वो गैप दे रहा है, लेकिन इधर की साइड नहीं दे रहा है। तो गाइस इस तरीके से जो है गाइस आप ये जो है कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस ये जो इमेज है बड़ी, देखिए इस पे जो है बॉर्डर बड़ा अजीब तरीके से लगा हुआ है, रेडियस तो मैंने किया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से जो है इस पे बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है गाइस। होपफुली आपको समझ में आएगी कैसे जो है आपको टेक्स्ट जो है वार्प करना है। गाइस ये जो है बहुत ज्यादा ईजी है गाइस, फिर से मैं आपको बता दूं, पहले गाइस देखिए तो मेरा नॉर्मली पैराग्राफ था, बट पैराग्राफ को जाके आपको अलाइन कर देना है जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद गाइस आप जहाँ पे आपकी इमेज है ना उसको जो है फ्लोट लेफ्ट कर देना है, फिर गाइस में पैडिंग दे देनी है। तो गाइस मैंने इमेज पे दी है ना पैडिंग, ठीक है ना, तो मैंने गाइस इसको जो है लेफ्ट साइड दी है, फिर गाइस पैडिंग जो है गाइस मैंने उस प्रकार से राइट साइड दी है पैडिंग, ठीक है। तो मैंने पैडिंग जो है 30 उस प्रकार से गाइस मैंने दे दी है, ठीक है, जैसे तो 30 मैंने पैडिंग दी है राइट साइड से, तो इमेज से जो राइट साइड से ऐसा हो गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक का बटन है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मैं बता दूंगा कि जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, एक्चुअली मैंने किस चीज के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली जो है हमारी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन है, रेड बटन है गाइस, और इसको जो रेड बटन को जो है आपको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की, तो जब आप सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करोगे वहां पे एक बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन पे भी जो है आप क्लिक कर दीजिए, तो जब भी हमारे चैनल की वीडियो आएगी आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।